हिजाब मामले को लेकर बेलगाम में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुस्लिम सियासतदानों को जमा कर बैठक की गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर अजीम पटवेगर ने बात करते हुए कहा कि बेलगाम सिटी में अमन कायम रहने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को हमारी लड़कियों की हिफाजत करनी होगी। अगर डिपार्टमेंट के तरफ से ये काम नहीं हुआ और कुछ तकलीफ हुई तो हमें रास्ते पर आना पड़ेगा। सरकार गलती कर रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये लफड़े चल रहे हैं। सरकार गलती नहीं करी तो ये नहीं होता। हमें सरकार के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, आज हमारे को कुछ बात करने की जरूरत है। बेलगाम सिटी शांत रहना, इसके वास्ते हमारे तुम्हें रिक्वेस्ट है, हमारी लड़कियाँ घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं उसकी हिफाजत करना। हमें रिक्वेस्ट करो, हाथ में तो लेडीज की हिफाजत तुम्हें करना। अगर तुम्हारे ऐसे नहीं हुआ और कुछ तकलीफ हुई तो उसके ऐसे हमला रोल पाना पड़ेगा। नहीं सर, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं बेलगाम सिटी की बात कर रहा हूँ। बेलगाम सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हम लोग आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं सर, इससे पहले भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये इश्यूज हम लोग आपके पास लेकर आएंगे, आप उसके अंदर जल्द से जल्द एक्शन लेना है, क्योंकि हम लोग देखे सर NRC के अंदर हमको साथ नहीं मिला। NRC के टाइम का वो जो कंप्लेंट हम लोग अब भी देख रहे हैं, हमको उसके अंदर एक्शन नहीं मिला। इसके लिए हम लोग आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, आप हमको जल्द से जल्द एक्शन लेकर दिखाना है सर। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ इस मामले को लेकर DCP रविंद्र सर ने बात करते हुए कहा कि सेफ्टी और प्रोटेक्शन को लेकर जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, और व्हाट्सएप फेसबुक पर जो भी गैर जरूरी मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपके नज़र में आए तो हम तक इसकी जानकारी दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋದು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ್ರು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೋವೋಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಗಮನ ಪತ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜ್ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಣ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರು 100% इसी तरह से खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।